पत्रकार परिषदेक तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। सुदीप नाईक, उत्तर गोवा जिल्हा संयोजक। आमच्यामध्ये आज उपस्थित असा श्री याज्ञवल्क्य शुक्लजी। श्री याज्ञवल्क्य शुक्लजी हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे राष्ट्रीय महामंत्री असा। ते गोव्यान काल आणि आज अशा दोन दिवसाच्या प्रवासावर आशिल्ले। त्या निमित्तान त्यांची विविध गोयच्या कॉलेजींनी आणि तसेच आज दंपारा जिल्हा संमेलन यूथ लीडर्स समिट कार्यक्रम असलो त्या वेळेचे ते उपस्थित असले। तसेच आमच्यामध्ये उपस्थित असा धनश्री मांद्रेकर। धनश्री मांद्रेकर गोवा स्टेट कन्व्हेनर एबीपी। आमच्यामध्ये उपस्थित असा साहिल महाजन। साहिल महाजन हे उत्तर गोवा महाविद्यालय प्रमुख असा, तसेच सेंट झेवियर्स कॉलेजचा इलेक्टेड जीएस। आमच्यामध्ये असा वैभव साळगावकर। वैभव साळगावकर हो पणजे शहर मंत्री जिल्हा विद्यार्थी परिषदेचा जबाबदार असा। हाँ मगता कि श्री याज्ञवल्क्य शुक्लजी हमी पत्रकार परिषद संबोधन कर। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को नमस्कार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रवास के दौरान दो दिन के लिए गोवा आना हुआ। इस दौरान गोवा के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना स्थापना का 75 वर्ष मना रही है। 75 वर्ष के अवसर पर हम अमृत महोत्सव, अभाविप अमृत महोत्सव वर्ष के नाते देश भर के नौजवानों के, देश भर के युवाओं के, देश भर के छात्रों के विषय को लेकर के पूरे देश भर के अलग अलग जिलाओं का सम्मेलन अभी चल रहा है। पूरे देश भर के अंदर में अभी तक 414 ऐसे जिला का सम्मेलन भारतवर्ष के अंदर में संपन्न हुआ है, जिसमें 6,20,000 से ज्यादा छात्रों की सहभागिता हुई है। जिला सम्मेलन के अंदर में कुल मिलाकर के स्थानीय समस्या को पटल पे लाना और स्थानीय समस्या के समाधान के लिए छात्र नेतृत्व को आगे लेकर के आना, इस उद्देश्य के साथ में भारत के वास्तविक पहचान के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और उभरते हुए भारत, हम सबको मालूम है कि तेजी से भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सो इन विषयों को लेकर के हम प्रत्येक जिला के अंदर में जा रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, जिला सम्मेलन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम सबको मालूम है 1966 से अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के छात्रों को पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय एकात्मता के नाते राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2023 का आयोजन इस वर्ष हुआ। अभी तक के सील जो हमारा प्रोजेक्ट है पूर्वोत्तर के छात्रों का, भारत के संपूर्ण प्रदेश के अंदर में सांस्कृतिक रूप से जो एकात्मता है उसका सदृश दर्शन के लिए जो प्रोजेक्ट विद्यार्थी परिषद के द्वारा चलाई जा रही है, उसके माध्यम से इस वर्ष 2023 राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के अंदर में लगभग 480 कार्यकर्ताओं स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट के 20 दिन के लिए 1 फरवरी से 20 फरवरी तक की पूरे भारतवर्ष के अंदर भी यात्रा हुई। इस दौरान नॉर्थ ईस्ट के 86 डिस्ट्रिक्ट के 191 प्लेसेस से ऐसे 81 ट्राइब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है उनका एक बड़ा समूह 16 गट में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए 20 तारीख को गुवाहाटी के अंदर में समापन हुआ। इस राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के माध्यम से 64 स्थानों पर 3 दिन यह राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा रुकी और अलग अलग जगहों पर जाकर के जो भारत के वास्तविक स्वरूप है, जो भारत के वास्तविक सांस्कृतिक चिंतन है, किस प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, किस प्रकार से विकास के आयाम पूरे देश के अंदर में चल रहे हैं, इन सब चीजों से अवगत कराने का ये प्रोजेक्ट विद्यार्थी परिषद के माध्यम से संचालित हो रहा है। गोवा प्रवास के दौरान सौभाग्य से यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलना हुआ, यहाँ के अलग अलग काउंसिल में जीते हुए स्टूडेंट्स लीडर के साथ में मिलना हुआ, जो मुझे अनुभव आया कुल मिलाकर के मापसा के अंदर में जो जेवियर कॉलेज है, जेवियर कॉलेज के अंदर में आप सब लोगों के माध्यम से एक न्याय हुआ है। इसलिए मैं गोवा के सभी मीडिया बंधुओं को, मीडिया पत्रकार साथियों को आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमने जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, आम स्टूडेंट के बीच से सीआर का इलेक्शन होना, बाद में जीएस का इलेक्शन होना, लेकिन एक आंतरिक परिस्थिति मुझे लगता है जेवियर कॉलेज को डिक्लेयर करना चाहिए कि किन परिस्थिति के कारण से 72 दिन के बाद जीएस का इंडक्शन सेरेमनी होना एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हम सबको मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के आधार पर देश का संचालन हो रहा है, लेकिन जेवियर कॉलेज के अंदर में सभी छात्र जेवियर के हैं या नहीं है ये भी एक प्रश्न आज खड़ा होता है। आज हमारे बीच में जीएस भी पत्रकार वार्ता के अंदर में मौजूद हैं, लेकिन मैंने जो जेवियर के बारे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और प्रत्यक्ष रूप से जो देखने का प्रयास किया, आज
जेवियर जो मापसा का प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, हम सबकी यह आस्था रही है, हमारा विद्यार्थी परिषद के नाते पूर्ण यह विश्वास रहा है कि छात्र का कोई कम्युनिटी नहीं होता, छात्र का कोई समुदाय नहीं होता, छात्र किसी भी संस्थान के सुसज्ज एक अलंकार है। इसलिए छात्रों के साथ खास करके इलेक्टेड जीएस के साथ इस प्रकार से जेवियर कॉलेज के अंदर में घटनाएं हुई, मुझे लगता है दुखद है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं और मैं मेरा हेडक्वार्टर पटना है, लोकतंत्र की जननी भी बिहार को कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी निक्षिप गणराज हमारे बिहार के अंदर से प्रारंभ हुई। हम सब लोग जानते हैं कि आधुनिक समय में भी 74 के अंदर में जब देश की तानाशाही सरकार थी उसके खिलाफ भी एक व्यापक परिवर्तन संपूर्ण क्रांति की लड़ाई भी बिहार से लड़ी गई। अपने कैंपस के अंदर में सभी प्रकार के लोगों का आवागमन है, क्योंकि स्टूडेंट आएंगे जाएंगे मिलेंगे तो कल्चरली एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। लेकिन जेवियर के अंदर में जिस प्रकार के स्थानीय हालात बने हुए हैं वो किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी भी संस्थान के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या जेवियर के अंदर में डेमोक्रेसी है या नहीं? क्या जेवियर मापसा कॉलेज के अंदर में सेलेक्टिव अप्रोच के आधार पर ट्रीट किया जाएगा इलेक्टेड स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के साथ में? क्या जेवियर के अंदर में धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है? जेवियर के अंदर में सेकुलरिज्म है या नहीं है? यदि सेकुलरिज्म है तो फिर साहिद महाजन के साथ में समस्या क्या है जेवियर का? हम सबको मालूम है हम शैक्षणिक संस्थानों का सम्मान करते, लेकिन वहां पे इस प्रकार की यदि लोकतंत्र की पाठशाला लोकतंत्र की पौधे का यदि गला दबाकर हत्या करने का प्रयास होगा तो ये किसी भी स्वरूप से मुझे लगता है कि सभ्य समाज ने सोचना चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी है, मैंने 2 दिन के प्रवास में अनुभव किया कि जेवियर मापसा के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास हुआ। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर में गोवा के अंदर में ही यदि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पर किसी को आपत्ति है तो मुझे लगता है कि शायद गोवा के कल्चर गोवा के जो ऐतिहासिक विरासत है उस विरासत पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं, क्या गोवा प्रदेश के अंदर में शैक्षणिक संस्थानों के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती मनाने वाले को प्रताड़ित गोवा के अंदर में किया जाता रहेगा और शासन सत्ता उसको मौन रूप से स्वीकार करेगी क्या? क्या गोवा प्रदेश के अंदर में अलग अलग बहाना को लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे लगाने वाले छात्रों पर कार्रवाई अनुशासन के नाम पर समाज स्वीकार करेगा क्या? ये भी मेरा एक प्रश्न है। आज जिस प्रकार से एक संस्थान के द्वारा, मैं संस्थान का सभी प्रकार का संस्थानों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न यह है यदि संस्थान के अंदर में डेमोक्रेसी है, संस्थान के अंदर में यदि धर्मनिरपेक्षता है सेकुलरिज्म है तो वहां एबीईपी के जीते हुए जीएस को सम्मान उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले के जीएस को मिलता था, नंबर 1। नंबर 2, छात्रों के चयन प्रक्रिया एक नेचुरल और हमको लगता है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया से छात्रों के बीच में चुनाव के बाद लोग आते हैं, ऐसी क्या परिस्थिति रही कि इलेक्टेड साहिद महाजन को जीएस मानने में 72 डेज लगा जेवियर मापसा कॉलेज को, वो भी कोर्ट के निर्देश के बाद, वो भी एक बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद। मैं तो गोवा के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करूंगा कि आपने डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी है, एक संस्थान की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कैंपस के अंदर में डेमोक्रेटिक राइट को लेकर के जो डिस्कोर्स डिबेट खड़ा होने की जो प्रक्रिया रहती है, क्योंकि कैंपस में हम सभी प्रकार के चर्चा करने का स्वागत करते हैं और सभी विचार का भी हम चाहते कैंपस के अंदर में लोग आए मिल करके विचारों के ऊपर में चर्चा करें, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच के आधार पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जीते हुए लोगों को मुझे लगता है कि ये हठधर्मिता और बैशनेस कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जेवियर के अंदर में चीजें चल रही है। इसलिए यहाँ के गवर्नर को भी कल हमने मिला है, हमारा एक डेलीगेशन मिला, हमने कहा है और गोवा विश्वविद्यालय से भी हमारा निवेदन है आपके माध्यम से, इस प्रकार की परिस्थितियां किसी भी संस्थान के लिए सही नहीं है। इसलिए गोवा के शैक्षणिक संस्थानों के अंदर में चाहे छत्रपति शिवराय जयंती की विषय हो, चाहे डेमोक्रेटिक राइट का विषय हो, चाहे इलेक्टेड छात्र संघ स्टूडेंट काउंसिल के छात्रों को पर्याप्त काम करने का अवसर देने का हो, मुझे लगता है कि वहां के बहुत पढ़े लिखे प्रतिष्ठित प्रिंसिपल हैं, हठधर्मिता और ईगो की लड़ाई से अलग हटते हुए और उसको बिना किसी दूसरा कलर दिए हुए
चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद से आता हूँ, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर में हमारा एक राष्ट्रीय मंत्री मुस्तफा अली जी विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री के नाते काम कर रहे, पूर्णकालिक के नाते काम कर रहे। आज जम्मू काश्मीर के अंदर में हमने 240 स्थानों पर तिरंगा फहराने का काम किया है, वो भी स्थानीय काश्मीरी छात्रों के आधार पर। आज जम्मू काश्मीर के अंदर पर लाल चौक पर पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से 26 जनवरी को हमने स्थानीय काश्मीरी छात्रों को लेकर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा करने का काम किया है। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जाएंगे, सभी कम्युनिटी के स्टूडेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैंने जो सील के बारे में बताया, 480 डेलीगेट्स का सभाग हुआ, उसमें सभी कम्युनिटी के लोग आते हैं। हमारे मन के अंदर में हमारा भारत यानी भारत 40 करोड़ कमाता है, इस विषय को लेकर के, एक तो सेकुलरिज्म विषय को लेकर के, सबको समानता और सबको एक साथ लेकर चलने की दिशा में जेवियर कॉलेज को प्रयास करना चाहिए। और जेवियर मापसा के जो छात्र है, चाहे इलेक्टेड हमारे शाहिद महाजन हो, चाहे वहां पढ़ने वाले हजारों छात्र हो, सभी के साथ समान बर्ताव करते हुए डेमोक्रेटिक राइट स्टूडेंट काउंसिल को देना चाहिए। आज इस अवसर पर आपके माध्यम से मेरा ये अपील है और बार बार यहाँ की सरकार से निवेदन है, गोवा के अंदर में सरकार सुनिश्चित करे हम सभी कैंपस के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पिता हैं, पूर्वज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्राण हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जीवन के संकल्प है। और उस संकल्प को हम हर कैंपस के अंदर में मनाना चाहेंगे, क्योंकि हर नौजवानों के सामने एक आदर्श हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। देशभक्ति का कोई यदि प्रतिबिंब है तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और उनका कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम किसी कैंपस में न करना, मुझे लगता है कि इस पर मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा प्रश्न सीधा है, क्या गोवा के महाविद्यालयों में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनेगी या नहीं मनेगी? अभी तक कितने महाविद्यालय में छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की जयंती साजरी की जाती है? विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में तो सदैव हम सब जगह कार्यक्रम करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के। ऐसे एबीवीपी में 8,900 से ज्यादा इकाइयां हैं। हमारा सभी जगह आग्रह रहता सभी महापुरुष के, क्योंकि भारत के महापुरुष भारत के वास्तविक पहचान के प्रणेता हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हैं। हम अपने पूर्वजों को, हम अपने प्राइड को हर समय याद करते हुए उनसे प्रेरणा लेने के लिए काम करते हैं। और ये जो मनाई कर रहे हैं जयंती मनाने के लिए, तो विद्यार्थी परिषद की अगली दिशा क्या रहेगी? नहीं, मैंने तो दिशा के बारे में कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्राण हैं और प्राण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए हम उनकी भारत माता की जय और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष तो हम हर कैंपस में करेंगे। लेकिन सवाल ये है, गोवा के अंदर में शैक्षणिक संस्थानों में जिस प्रकार की तस्वीर आ रही है, इस पर यहाँ के शासन को भी विचार करना पड़ेगा। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने वाले छात्रों पर अनुशासन के नाम पर कार्रवाई करना, उनको रोकना, क्या यहाँ उचित है या इसे सभ्य समाज स्वीकार करेगा? तो हमने सेंट जेवियर मापसा कॉलेज में शिव छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाने के लिए आपने कुछ ये किया था, पत्रकार कुछ किया था, क्या ऐसे बोल क्या है? नहीं, इसमें क्या है, ऐसे हमारे जीए साहब को बताएंगे। मुझे क्या लगता है, हमें अपने पूर्वजों को याद करने के लिए एक वो हमारे जीएस बताएंगे आपको। आपको मैं क्या आपको मैं बता रहा हूँ, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को जयंती मनाने के लिए एप्लीकेशन दिया, वहां से डिसीजन हुआ कि इस प्रकार का आयोजन आप नहीं दिया। कहा दिया आपने आपको? जेवियर मापसा कॉलेज एक लेटर के जरिए आपको लेटर आपको दिखा देंगे। अभी आप मेरे प्रश्नों पर यदि आपको भरोसा नहीं, तो आप जो भी उसे भरोसा सकते हैं, भरोसा सकते हैं। वो जो है ना, हाँ। वो प्रीमाइसेस गवर्नमेंट वाले, आप उधर जो मना रहे हैं तो ऐसे बोल के नहीं हो सकते हैं। आप लेटर के हैं तो बोलो, हाँ। लेटर का आप चला तुम्हें सर टीचर हमें ईमेल एक दिस प्रायर टू तंका धाडलो तो की आमका असे असे परमिशन जाय म्हणत होता तो काय काय कॉलेज एक कॉलेज मध्ये कोण प्रिंसिपल एड्रेसिंग द प्रिंसिपल आणि कॉलेज ईमेल आयडी चा धाडलो। ओके मक्की जाय लो रिझ र आमका रिप्लाय ईमेलस के जाय तू तो कॉलेज होय कॉलेज नसतो राइट हँड की जाय देऊ ना आता तू पोस्ट घेऊ शकता ना ईमेल डॉक्युमेंट या असा सोड तू हँड रायटिंग की जाय देऊ सर
सर उसका भी सही है। सर एक एक गोष्ट आमका सर जन्ना तो छत्रपति शिवाजी महाराजांची जयंती झाली थर त्यांना हायन नो तर बाकीचे भुर्गे जे आमचे असले त्यांच्यानी ती सेलिब्रेट केलेली म्हणजे ऑलमोस्ट 70 भुर्गे वांगडा येऊन सेलिब्रेट केलेली आणि त्या भुर्ग्यांनी त्यांना ईमेल केलेलो। दुसऱ्या दिवसा आम्ही जन्ना शिवाजी महाराजांची जयंती करपाक पुढे सरले आम्ही केली सगळे भुर्ग्यांनी येऊन केली त्यांना आमका कळले गेले की आमच्याकडे डॉक्युमेंट ना त्यांना आम्ही त्यांना सांगले भुर्ग्यांनी मला सांगले की साहिल आम्ही त्यांना लेटर हे दिलेले ईमेल आय डी दिलेली हायन वचून त्यांना सांगले की प्रिंसिपल नले मॅडम की तुमका आम्ही ईमेल केला असा सो या आम्ही नो तर बाकीच्या भुर्ग्यांनी जे कॉलेज कॅम्पस 70 भुर्ग्या त्यांच्यानी सेलिब्रेट केलेली आमच्याच भुर्ग्यांनी कॉलेजीच्या भुर्ग्यांनी आणि माका दुसऱ्या दिसा एज अ जीएस म्हणून त्यांच्यानी ऑनरली आफयलेलो थंय की साहिल तू ह्या प्रोग्रामाक यो सो त्यांना ना परमिशन घेतलेली गिराक ईमेल आय डी धाडली नो अरे आन्सर कर मरे अरे केला म्हणता तेज अरे बरोबर ईमेल बाउंस जाऊन जायना ईमेल बाउंस जाऊन जायना झालं मग तुम्ही विचारले विचारले तुम्ही दंगा फसाद हो सकता है इसका जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। मुझे क्या लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को आप कैसे दंगा करोगे सर इतना आप हुआ कर सकते कोई कर सकता है ना नहीं नहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे जयंती लेकिन परमिशन नहीं चाहिए परमिशन चाहिए तो फिर क्यों नहीं लिया। यदि मैं छत्रपति शिवाजी का जय घोष करना चाहता हूँ तो आप मुझे जय घोष करने देंगे नहीं करने देंगे तुम करो ना कोई बोलते हैं नहीं करने लेकिन आप परमिशन लेना चाहिए ना कॉलेज डोंट यू फील नहीं 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 देखिए मुझे क्या लगता है परमिशन लेना चाहिए एक अलग पार्ट है अगर नहीं है उससे क्या हम अपने पूर्वजों को याद करने के लिए भी पर पिछले बार का बताया ना आपको पिछले बार भी उनको अनुमति नहीं दिया फोर्सफुली आप अनुमति नहीं देते फादर ऑफ ओपिनियन बोला गया सही है लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम परमिशन नहीं देंगे ऐसा है परमिशन सर एप्लीकेशन दिलेले देंगे आणि सर आम्ही अशा मानले की सर मेरा यू आर अ स्टूडेंट यू आर अ गार्ड अरे पण तू यानी तू त्याच इन्स्टिट्यूशन आहे ना बाबा तू त्याच इन्स्टिट्यूशन आहे ना तुका कोण पैसे असपा काय लागणार ना ज्यांना जीएस देऊ लागला ना बाबा गेलो मरते हाउ कैन यू से दैट यार घरानू था मरतो हाउ परत करेक्ट करता सर एप्लीकेशन आणि ईमेल माझ्या कडल्यान वाचंग ना कॉलेजचे 70 भुर्गे जे करेक्ट आता तू एंट्री नाही म्हणतो तो और की त्यांच्यानी ना किराक म्हणपाक जाय छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती दर कॅम्पस करेक्ट आमचा मुद्दा तू तिथं रावता झालं तू किती कसं ना माझ्या मागा सांगून नसले त्यांच्या मग तू तेणी सांगत कोणाक आड मारत का कोण दिला तर काय आड मारत कॉलेजीचं जे असतो मरे ऑब्जेक्शन तू म्हणता बरोबर हा पण हा म्हणता तुम्ही तू भितिंगात आहात किती कसं होणार ऑब्जेक्शन किती असा सर मला सांग तू सांगता सारखं रे तुम्ही त्याच घरा ना मरे मानता तू तुम्ही थिंगाच आहात मरे तुम्ही असो ना किती विचारता तू भितून पावलो मरे पण एसडीएमा कडे पावलो सगळ्या कडे पावलो जेसाचं इश्यू झालेलो पण त्यांना त्यांना तू यांनी सारखे लिगली गेलो ना तू सगळ्याक लिगली गेलो ना तू ब्रीफ करता ज्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती झाली त्यांना माका इन्फॉर्म नसले की हांगा जयंती जातली आमच्या भुरग्यांनी थंय ईमेल ईमेल धाडलो दुसऱ्या दिसा माका इन्व्हाइट केलो की थंय येऊन जयंती आता आमचं आम्ही किती म्हणून सोडता की छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती दर एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटात जावपाक जाय आता ते म्हणून सुद्धा हो इश्यू झाला तुझा खबर हो हे म्हणपाक जाय त्यांच्यानी ना किराक म्हटलं समज जयंती जाता
छत्रपती शिवाजी महाराज हे इंडियन नेव्हीचे फादर म्हटलेले होता. आता त्याका इंडियन नेव्हीक सुद्धा तर यांचं नकार असतो. सांग ना विरोध केला नो कॉलेज विरोध केला तो तू जी एस न पत्र सो तुझे नी चाल बाबा विरोध किया आणि किया म्हणून ऍप्लिकेशन दिले बाबा तू होत कोणा आणि केला ते सांगता तू त्यांच्यानी आमका म्हटले त्यांच्यानी आमका म्हटले ईमेल आमका खूप येता आम्ही तो ईमेल पोंग नसलो एकदा आम्ही परमिशन दिल्यावर तुम्ही करा मग त्यांच्यानी तो ईमेल किया पोंग ना कॉलेजची ईमेल त्यांना होता सर तू किद्याक आन्सर फ्रू करू शकता त्यांना विचारू शकता बाबा आमका किद्याक मला पद देणार आम्ही विचारले आमका आन्सर नसलो त्याचा तुमची कारवाई किती झाली काय कारवाई जाऊ सर सर आप जो बोल रहे हैं मैं उसी विषय पे आना चाह रहा हूँ. साहिद महाजन डायरेक्टली प्रिंसिपल को नहीं मिल सकते हैं ये सच है. जी ऐसे होगा सर आप सर आप मेरा मेरे प्रश्न का उत्तर आप जेवियर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से मांगो. आपने जिस प्रकार से आपने यानी हमारा जेवियर का प्रबंधन ने जिस प्रकार से सिस्टम बनाया है उसमें डायरेक्ट जीएस प्रिंसिपल को नहीं मिल सकता है. राइट है ना जब हम प्रश्न उनके सामने जाएंगे नहीं लेते तो प्रश्न हम कैसे कर पाएंगे. सवाल करो जब जीएस का एक्सेस ही नहीं है प्रिंसिपल के पास में. आप नंबर एक सुनिए एक आप कह रहे हो कि स्टूडेंट को सबको बराबर भाव रखना चाहिए तो जीएस को क्यों नहीं जे स्टूडेंट नहीं होता है जीएस भी तो स्टूडेंट ही है ना. तो आप स्टूडेंट के सवाल को लेकर जीएस प्रिंसिपल को मिलेगा नहीं मिलेगा यही तो मेरा प्रश्न है. जैसे सामान्य स्टूडेंट के साथ प्रीवियस जीएस के साथ जिस प्रकार से बिहेव होता था जेवीएर के अंदर में आज साहिल महाजन के साथ उस प्रकार का बिहेव होना चाहिए नहीं होना चाहिए प्रश्न मेरा यही है ना. इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं नहीं दे सकता हूं. इस प्रश्न का उत्तर तो जेवीएर दे सकता है. मेरा प्रश्न है कि जेवीएर में डेमोक्रेसी जेवीएर में धर्मनिरपेक्षता और जेवीएर में सभी छात्रों को सामान्य रूप से देखना है नहीं देखना है. प्रीवियस जीएस के साथ जिस प्रकार से व्यवहार होता था वो व्यवहार साहिल महाजन के साथ होगा नहीं होगा इसको सुनिश्चित तो जेवीएर करेगा. ये मेरा सवाल है इसका उत्तर तो जेवीएर दे सकता है. इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप सुनिश्चित करो कि गोवा के सभी महाविद्यालय के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मने. यदि कोई किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करता है तो उनको आप समझाओ छत्रपति शिवाजी को. और मैं आपकी भावना को ठेस न पहुंची इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से कोई उत्सव यदि दंगा फैलता तो मुझे लगता है देश के अंदर में और कोई दूसरा उत्सव हो ही नहीं सकता है. सर आप ना खाली जेवीएस कॉलेज में क्यों ऐसा बोलते हो. तुम डायरेक्ट एजुकेशन डायरेक्ट को मिल सकते है ना शिवाजी महाराज जयंती मनाने के लिए हर कॉलेज में. सर मापसा का बात नहीं है जो तो, जो मैंने दो दिन के अंदर में प्रश्न देखिए हमने आपको जिला सम्मेलन के बारे में भी बताया हमने आपको शील यात्रा के बारे में बताया हम आपको दो दिन के पूरे प्रवास के दौरान का भी विषय बताया. जो अभी चूंकि आप सबको मालूम है कि जेवीएर का इशू गोवा के अंदर में किस प्रकार से चला आप सब लोगों ने प्रश्न पूछा आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ 72 दिन क्यों लगा क्या आप इनको नहीं मानते कि जीएस का है सब्जेक्ट आप बोल रहे हैं शिवाजी महाराज वो अलग है. नहीं मैं वो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ ना इसलिए आप जेवीएर मापसा का सवाल इसलिए क्योंकि उनके प्रति ज्यादा सवाल आ रहा है. सवाल किया कि आपने एजुकेशनल डायरेक्टर से क्यों नहीं मिले. नहीं हमने कल गवर्नर साहब को भी मिलकर के हमारा डेलीगेशन बताया है हमने सभी लोगों को मिलकर के बताने का काम किया इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी प्रश्न किया. एक क्वेश्चन में आप दूसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं इसलिए एक क्वेश्चन है ना उस पर आंसर करो और एक क्वेश्चन कंप्लीट करो. फादर ऑफ स्कूल तुम्ही जसे म्हणता नाही तसे कॉलेज मध्ये भरपूर इवेंट झाले कॉलेजीन भितरले इट्स विदिन द कॅम्पस नो बॉस सी विदिन द कॅम्पस तुमचा इश्यू नो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने दो दिन के प्रवास के दौरान जो मैंने अनुभव किया है जीएस के साथ में इसलिए मेरा प्रश्न है आप इस प्रश्न का उत्तर आप जेवीएर से पूछ सकते हैं. जीएस के साथ में प्रीवियस जीएस की तरह व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है आपको मैं सच्चाई बताऊं जीएस कैंपस के अंदर आप ये बताओ कैंपस में लोग मिल सकते हैं जीएस से बाहर के स्टूडेंट नहीं मिल सकता है. मुझे यदि जीएस को जेवीएर कॉलेज के जीएस को मिलना है मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा मुझे राइट है कि नहीं
उनके रूल्स होंगे ना, सिर्फ स्टूडेंट्स को आप मतलब ये बताओ प्रिंसिपल से लोग मिलने के लिए जा सकते हैं तो मिल सकते हैं सर, स्टूडेंट है तो मिल सकते हैं। मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता हूँ, मुझे यदि प्रिंसिपल को मिलना है तो मुझे परमिशन मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो परमिशन परमिट करेगा ना मुझे मिलने के लिए प्रिंसिपल? वो डिमांड करना चाहिए ना मिलने का। एक मिनट, मुझे जीएस से मिलना है तो मैं मिल सकता हूँ कि नहीं मिल सकता? जीएस से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट किससे लेना पड़ेगा? क्योंकि आप उनके कैंपस में जा रहे हैं सर, इंस्टीट्यूट के कैंपस में जा रहे हैं। हम आपके ऑफिस में डायरेक्टली आ सकते हैं? हाउ कैन वी कम डायरेक्टली टू योर ऑफिस विदाउट आस्किंग यू? इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि सभी प्रश्नों का एक प्रश्न है, जीएस के साथ में जैसे प्रीवियस जीएस के साथ व्यवहार होता था वैसा व्यवहार होना चाहिए। आप उनके साथ में किसी भी सर आप मतलब क्या हुआ है तो वो तो बात करें। डे वन से 72 डेज क्यों लगा जीएस को? ये प्रश्न है क्या आपके बाद से प्रश्न? 70 डेज नहीं दिए, इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। क्या था? बोलते किया था प्रोटेस्ट। भाई जस्टिस मैं हूं ना तुमका, आप सो यू आर स्टिल नॉट सैटिस्फाइड? You are satisfied and why he is asking? But he is asking about the same thing. पूरी प्रोसेस को take the time. बाबा एक्चुअल टाइम इज व्हाई दे हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम विद रिगार्ड टू दिस। शिव जयंती तुम सेलिब्रेट करो, ऑब्जेक्शन आ लेते हैं ना तुम्ही प्रोटेस्ट करत करू ना सगळ्यांनी मिळून। जर एक मुद्द्याचे प्रोटेस्ट असो जायना आम्ही ऍप्लिकेशन घालतले की असे असे पुढे जाऊन काय। आमची आता तीच मागणी असा की शिव जयंती त्यांच्यानी आमका परमिशन देऊन जा। ऍप्लिकेशन तुम्ही घातला का तेच पाहिजे जाम प्रश्न विचारता आहे तुमका। ज्या भुरग्यां ज्यांच्यानी स्टार्ट केली हो प्रोग्राम हायर करूंक नसलो, हा परत एकदा सांगता बाकीचे भुरगे सगळ्यांनी मिळून हो प्रोग्राम केलो, त्यांच्यानी ईमेल धाडलो, त्यांच्यानी त्यांना म्हाका सांगले की असो असो प्रोसेस त्यांच्यानी केला, मॅनेजमेंटान आमकां सांगले, हांवें मॅनेजमेंटाक समजले की त्यांच्यानी ईमेल केला म्हणून त्यांना आमकां त्यांच्यानी स्टॉप केले। मात हो बेसीक मुद्दो आयतलो हो आसा की शिव जयंती सेलिब्रेट करपाक आमकां परमिशन जाय पडटली। आनी समज आमी सेलिब्रेट करता शिव जयंती ही इतलो व्हडलो एक हे आसा, छत्रपती शिवाजी महाराजाक आमी एक देव हो हे दिता जाल्यार आमकां हे परमिशन घेवची पडटली। आमचो हो विचार आसा की शिव जयंती जाता तेन्ना तुम्ही स्टॉप करतले, आता तेंकां कळ्ळें की शिव जयंती आमी सेलिब्रेट करता तो ह्याच्यात ते बॅन कित्याक काडटले? आमचो मोटिव हो आसा की ह्याच्यात अशें जावंक जायना। छत्रपती शिवाजी महाराजांची जेन्ना जयंती जाता तेन्ना ती एक बऱ्या हितून कार्यक्रमान जावंक जाय, सगळ्यांक सहभागी जावंक जाय तितून।